अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बोटी का सालन। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। ये है 2 किलो बोटी। तो बोटी को हमने गर्म पानी से अच्छे से धो के रख लिया है और इस तरीके से हम इसके पीसेस भी करवा लेंगे। और ये है पोटली मसाला। तो ये हम ऐड करना इसके अंदर ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जो स्मेल रहती बोटी के अंदर वो इससे मिट जाती। तो इस तरीके से हम इसकी पोटली बना लेंगे एक कॉटन क्लॉथ में। और अब हम ये कुकर में ऐड कर लेंगे बोटी के अंदर। और ये है बारीक कटी हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक भी ऐड कर लेंगे, 1 लीटर पानी ऐड कर लेंगे ताकि जो बोटी है वो बहुत अच्छे से गल जाए। तो अब हम कुकर का ढक्कन लगा लेंगे बोटी को गलने के लिए। और अब ये बोटी अच्छे से गल गई तो हमने कुकर का ढक्कन निकाल लिया है। और ये जो पोटली मसाला है वो अब हम निकाल के फेंक देंगे क्योंकि इसके अंदर इसका फ्लेवर आ गया। तो अब हम ये निकाल के फेंक देंगे। और ये है हरा मसाला, कोथमीर, पुदीना और कटी हुई हरी मिर्च, वो भी ऐड कर लेंगे। और ये है पत्थर का फूल और तेज पत्ता। तो अब ये ऐड कर लेने के बाद में हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। तो गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद में हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पे। और अब 8 से 10 मिनट हो गए तो ये देखिए ये बोटी का सालन बनके तैयार हो गया। और अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको सर्व कीजिए रोटी के साथ में या तो फिर जवारी की रोटी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।